और बाहर की चीज़ें जान मार रही हैं। ऐसी मेरी दरख्वास्त है आपसे, माएँ ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो करें। मोबाइल बच्चों की नज़रों को चाट लेगा, एनके बढ़ जाएंगी, हाफ़ज़ा, याददाश्त, मेमोरी और बेहतरीन जहन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी मिन्नत और दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा इसको अपने ध्यान और तवज्जो में लें और जो वजीफ़ा दिया है उसी को तवज्जो से करें। एक तो मैंने लीमू खुश्क का पहला टोटका आपको बताया कि लीमू खुश्क और अजवाइन। दूसरी चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लीमू को काटें और जहां जिल्द पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयां हैं, हत्ता के कील महासे हैं और कोई खतरनाक दाग धब्बे हैं, आप उन पे हल्का हल्का मलें और मले कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उसको मले और मल के आप सो जाएं। सुबह उठ के आप किसी साबुन से नहीं, बस सादा पानी से आप धो लें, आपकी जिल्द इतनी शफाफ होगी और इतनी बेहतरीन होगी, दुनिया की आखिरी करीमें लोशन भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। ये लीमू जितना जिल्द के लिए सेहतमंद है, यानी जहाँ अंदरन सेहतमंद है अंदरूनी मसाइल के लिए, वहाँ बाहर के लिए भी सेहतमंद है। इसके बीच ज़ाया ना किया करें। जिस जिस्म में, यानी जिन आंतों में और मैदे में लीमू के बीज होंगे, उनको अपेंडिक्स नहीं होगा, कोलन नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, और जिसके मैदे में लीमू के बीज होंगे उसका मैदा कभी मुतासर नहीं होगा। हम लीमू के बीज फेंक देते हैं। लीमू का ज़र्रा ज़र्रा सेहत है, सारी साइंस इस पर रिसर्च कर रही है। लीमू का ज़र्रा ज़र्रा सेहत है और ज़र्रे ज़र्रे में सेहतमंद ज़िंदगी की दलीलें हैं। अब मैं एक और टोटका बताता हूँ आपको। जी, एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी जी, मैं बुशरा बोल रही हूँ। जी, मेरे हस्बैंड का नाम मुनीर अहमद है। 11 साल हो गए मेरी शादी को। जी, हम मियां बीवी में हर टाइम लड़ाई झगड़ा ही रहता है। मैंने आज से 4-5 साल पहले, आपका नाम बुशरा। जी जी, और शोहर का नाम मुनीर अहमद। मैंने आज से 4-5 साल पहले आपको खत लिखा था। जी, तब मैं दुबई में थी, मैंने आपको खत लिखा था। उस टाइम हम मियां बीवी में बहुत ज्यादा लड़ाई थी। मेरे मियाँ का अपने दोस्तों के साथ गलत रिलेशन था। जी, वो हम मियाँ बीवी में बीवी वाला मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं था। जी, मैंने आपको खत लिखा था, आपने मुझे रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर ये पढ़ने को बताया था। जी, तो ये मैं पढ़ती रही, कभी पढ़ती थी कभी छोड़ देती थी। अब ये है कि 3.25 साल हो गए हैं, वो यूरोप चले गए हैं, उधर जाके सेट हुए हैं, और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम उनके पेपर बन जाए। अभी वो रेगुलर वो नहीं हुए, पेपर नहीं उनके बने, तो वो पेपर बन जाए और हमें बुला ले और उधर हम मियां बीवी इकट्ठे प्यार से मोहब्बत से रहे, हमारा घर बन जाए। ठीक ठीक, गुस्सा आग है और